सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। देखिए, आज हम लोग देख रहे हैं राज्य स्थापना दिवस पर जो राज्योत्सव मनाया जा रहा है 2022 का, इसमें अलंकरण समारोह हुआ है जिसमें यहाँ पर राज्य अलंकरण पुरस्कार दिया गया है। तो 1 नवंबर 2022 को राज्य अलंकरण पुरस्कार दिया गया, साइंस कॉलेज मैदान रायपुर में इसका आयोजन किया गया है। तो देखिए, इसमें किसको किसको किस क्षेत्र में सम्मान दिया गया है उसके बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं। इससे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनता है, ध्यान रखिएगा। अगर आप सीजीपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं तो इसमें बहुत ही चांस है कि इसमें क्वेश्चन पूछा जाए। तो चलिए देखते हैं। पहला है शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान। तो देखिए, ये सम्मान जो है आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग के उत्थान के क्षेत्र में दिया जाता है। विभाग जो है आदिम जाति कल्याण विभाग। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो सम्मान मिला है वो श्री नारायण मरकाम जी को मिला है। तो यहाँ पर इसको आप देख सकते हैं, सम्मान क्षेत्र और सम्मान गृहता, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर क्षेत्र को हमेशा याद रखिएगा, जैसे कि पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाता है। विभाग कौन सा है, तो गृह विभाग, पुलिस से संबंधित। फिर देखिए, श्री लक्ष्मी प्रसाद मिश्रा को इसी सम्मान दिया गया है। यदि यतनलाल सम्मान की बात करें तो अहिंसा एवं गौ रक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। श्री मदन मोहन गौशाला खरसिया, इनको दिया गया है। तो यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सम्मान क्षेत्र और सम्मान गृहता। कुंडादुर सम्मान की बात करें तो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, श्री अमितेश मिश्रा जी को मिला है यहाँ पे। मिनी माता सम्मान की बात करें तो महिला उत्थान के क्षेत्र में दिया जाता है, जो कि डॉक्टर श्रीमती मीरा शुक्ला जी को मिला है। अब यहाँ पर देखिए, गुरु घासीदास सम्मान, तो सामाजिक चेतना और दलित उत्थान के लिए दिया जाता है, श्री खेमचंद भारती जी को यहाँ पर मिला है। बाकी आप विभाग को भी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। अब देखिए, ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान सहकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, श्री अशोक अग्रवाल जी को दिया गया है। हाजी हसन अली सम्मान उर्दू भाषा की सेवा के लिए जनाब यूनुस खान को दिया गया है। पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्र में श्री सीताराम अग्रवाल जी को। पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान साहित्य, फिर आंचलिक और साहित्य, तो ये जो है आपका श्री रामेश्वर वैष्णव जी को दिया गया है। चक्रधर सम्मान की बात करें तो संगीत एवं कला के क्षेत्र में श्री वेदमती सिंह ठाकुर, जो कि 2022 के लिए राज्य अलंकरण पुरस्कार प्राप्त की है। दाऊ मंद्रा जी सम्मान लोक कला एवं शिल्प के क्षेत्र में, तो श्रीमती जयंती यादव और श्री पंडित राम संयुक्त रूप से इन्हें सम्मानित किया गया। अब बात करते हैं डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान की, तो ये कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसका क्षेत्र पूछा जाता है, खास करके व्यापम के एग्जाम में डायरेक्ट यही पूछा जाता है कि कृषि के क्षेत्र में कौन सा सम्मान दिया जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान। बाकी हर वर्ष जो है ये सम्मान दिया जाता है, और इस वर्ष जो सम्मान मिला है श्री खेदूराम बंजारे को। अगला देखते हैं हम लोग, महाराजा अग्रसेन सम्मान, तो सामाजिक समरसता के क्षेत्र में श्री ईश्वर प्रसाद अग्रवाल जी को दिया गया है। अब बात करें दानवीर भामाशाह सम्मान, तो ये है दानशीलता सौहार्द्र एवं अनुकरणीय सहायता, इस क्षेत्र में दिया जाता है, और इस साल श्रीमती गंगोत्री वर्मा जी को मिला है। आगे बढ़ते हम लोग, श्रीमती बिलासाबाई केवटीन मत्स्य विकास पुरस्कार, तो ये जो सम्मान है मछली पालन के क्षेत्र में दिया जाता है, और श्री रूपचंद धीवर जो है उन्हें यह सम्मान दिया गया। अब बात करें संस्कृत भाषा सम्मान, तो देखिए संस्कृत भाषा के क्षेत्र में डॉक्टर बालकृष्ण तिवारी जी को यह सम्मान दिया गया है। अब डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते सम्मान जो है वो आदिवासियों सेवा और उत्थान के लिए दिया जाता है, तो श्री टुकेश्वर कंवर जी है उन्हें सम्मान मिला है। अब 90 नंबर का देखिए, महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव पुरस्कार, तो इस श्रम क्षेत्र में दिया जाता है, श्रम विभाग के द्वारा, एनटीपीसी सीपत उज्ज्वल नगर बिलासपुर को, और श्री पालूराम साहू संयुक्त रूप से, तो एनटीपीसी को भी दिया गया है ये जो पुरस्कार है,
और संयुक्त रूप से पालूराम साहू जी को भी दिया गया है। देखिए ये सारे चीज आप नोट कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में जरूर ये पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हम लोग। अब देखिए बीसवा नंबर में बिसाहू दास महंत पुरस्कार, तो ये भुनकर के क्षेत्र में दिया जाता है, जो कि श्री आनंद देवांगन जी को, फिर श्री प्रथम चरण देवांगन जी को संयुक्त रूप से 2021 के लिए, और श्री राजन देवांगन और श्री कृष्ण कुमार देवांगन इनको संयुक्त रूप से 2021-22 के लिए ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब बात करें राज राजेश्वरी करुणा माता हाथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार जो है बुनकर के क्षेत्र में किसे दिया गया है, तो श्री नरसी देवांगन जी को, श्रीपति मेहर देवांगन जी को भी दिया गया है, तो ये संयुक्त रूप से है। देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार, तो प्रदर्शनकारी लोक कला के क्षेत्र में श्री द्वारिका बर्मन जी को ये पुरस्कार दिया गया है। देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार की बात करिए लोक शैली और पंथी नृत्य के क्षेत्र में, तो श्री मिलाप दास बंजारे को ये पुरस्कार दिया गया है। किशोर साहू सम्मान, तो ये जो है हिंदी छत्तीसगढ़ी सिनेमा में रचनात्मक लेखन निर्देशन अभिनय पटकथा निर्माण के क्षेत्र में दिया जाता है, श्री मनु नायक जी को ये पुरस्कार दिया गया। किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण, तो ये जो है हिंदी छत्तीसगढ़ी सिनेमा में निर्देशन इसके लिए दिया जाता है, तो श्री पलाश वासवानी को ये सम्मान से सम्मानित किया गया है। 26 नंबर पे देखिए धन्वंतरी सम्मान, तो आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षा तथा शोध एवं अनुसंधान जो है इस क्षेत्र में दिया जाता है, डॉक्टर मनोज चोकसे को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब देखिए 27 नंबर में बरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान, ये विधि के क्षेत्र में दिया जाता है, इम्पोर्टेंट है ये याद रखिएगा, डॉक्टर बरिस्टर छेदीलाल सम्मान जो है विधि के क्षेत्र में दिया जाता है, विधि विधायी विभाग के द्वारा डॉक्टर प्रिया राव और श्री विवेक सारस्वत दोनों को संयुक्त रूप से ये सम्मान दिया गया है। अब देखिए 28 नंबर है छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान, तो अप्रवासी भारतीय सम्मान तो देखिए क्षेत्र देश के बाहर सामाजिक कल्याण मानव संस्थान विकास कला साहित्य अथवा आर्थिक योगदान के लिए इस क्षेत्र में सम्मान दिया जाता है, तो श्री गणेश कर को इस क्षेत्र में सम्मानित किया गया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग 29 नंबर पे लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार, ये भी इम्पोर्टेंट है, साहित्य और आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, श्री जीवन यदु इनको मिला है ये पुरस्कार। चंदुलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार, तो पत्रकारिता प्रिंट मीडिया हिंदी में देखिए तो श्री धनंजय वर्मा को मिला है। यहीं पर क्वेश्चन बनता है जो चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार जो है पत्रकारिता इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हिंदी में, तो ये जो है आपका श्री अमितेश पांडे को और डॉक्टर वैभव सिंह पांडे को संयुक्त रूप से दिया गया है। ये दोनों तो हो गया हिंदी के लिए। अब देखिए यहाँ पर मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार, अब ये जो है आपका प्रिंट मीडिया इंग्लिश के लिए है, पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रिंट मीडिया अंग्रेजी, डॉक्टर के एन किशोर को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं हम लोग पंडित माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मकता सम्मान, तो रचनात्मकता लेखन और हिंदी भाषा के क्षेत्र में ये सम्मान दिया जाता है, और श्री सुदीप ठाकुर जी को इस क्षेत्र में सम्मानित किया गया है। तो ये जो है आपके राज्य अलंकरण पुरस्कार है, जो कि 33 क्षेत्र और 33 प्रकार के सम्मान यहाँ पर दिए गए हैं। 1 नवंबर 2022 को साइंस कॉलेज में आयोजन हुआ राज्योत्सव, उसमें ये सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो इसे आप जरूर याद रखिए क्योंकि चाहे आपका सीजीपीएससी का एग्जाम हो या सीजी व्यापम का एग्जाम हो इससे क्वेश्चन जरूर बनता है। यहाँ पर जो सम्मान प्राप्त किए हैं उनसे संबंधित तो अगले 1 साल तक क्वेश्चन बनेगा, लेकिन यहाँ पर जो सम्मान के नाम है और वो क्षेत्र है उससे संबंधित क्वेश्चन आपका हमेशा बनते रहता है, तो सम्मान का नाम और उसके क्षेत्र को जरूर याद रखिए, साथ ही इस साल किनको किनको मिला है क्या क्या सम्मान उसे भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका जो राज्य अलंकरण पुरस्कार से संबंधित जितने भी चीजें थी हमने यहाँ पर आपको बता दिया, पंडित
बाकी आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करें।